ये खबर सामने आ रही है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया पर चल रही है कि सित्वे बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए विदेश मंत्रालय ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और ये केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी रणनीति है। इंडिया ने अप्रूव कर दिया है कि एक और ग्लोबल पोर्ट पर वो ऑपरेट करेंगे। Meanwhile in Myanmar, despite the conflict between the rebels and the junta, India has managed to hold on to its strategic gain. और इसका जो मकसद है वो कहते हैं जी कि एक मिलिट्री ब्लॉक बनाना है अगेंस्ट चाइना। चाइना ने पूरी कोशिश करी कि यार दबाव डालो। कौन सा दबाव? हथियारों से। इंडियन आर्मी ने बोला आ जाओ ना यार, क्या क्या चाह रहे हो, हम इनविटेशन दें तुम्हें, आओ तुम्हें जो करना है करो, हम भी देखते हैं तुम्हें। तो चाइना खेसिया। जो चीजें इंडिया को ऑफर की गई हैं, इंडिया ये तमाम चीजें लेना चाहता है विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ मिलिट्री। म्यांमार इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक। इंडियन बैक पोर्ट जो कि ओपन हुई है म्यांमार की स्टेट में, वहां पर इज आंसर टू चाइनास कॉरिडोर प्रोजेक्ट। हम तमाम हुकूमतें जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस इंटरेस्ट में, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, एक डीपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्पेक्ट्रम में। निकी एशिया का कहना है कि ये पोर्ट जो है ये चाइना के कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसका जवाब है, उसका आंसर है। ये खबर सामने आ रही है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया पर चल रही है कि इंडिया ने, अब इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि एक और ग्लोबल पोर्ट पर वो ऑपरेट करेंगे और वो है सित्वे पोर्ट। अब सित्वे पोर्ट की क्या डिटेल्स हैं आपके सामने रखते हैं, लेकिन जो मैंने ये कहा कि इंडिया ने अनदर ओवरसीज पोर्ट इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले इंडिया ओवरसीज पोर्ट की जब बात करते हैं तो चाबहार को भी ऑपरेट करता है। आप जानते हैं कि चाबहार पर इंडिया का कितना ज्यादा अजारादारी है, कितना अमल दखल है। इंडिया चाबहार पहले जो है सिक्योर किया इंडिया ने, और अब सित्वे पोर्ट जो कि म्यांमार की पोर्ट है और वहां पर रखाइन स्टेट में है। लेकिन इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और ये जो सित्वे पोर्ट पर इंडिया ने इतना पैसा लगाया है जो कि $120 मिलियन तो सिर्फ सित्वे पोर्ट है, लेकिन जब आप इसको पूरा प्रोजेक्ट देखते हैं तो उस पर कोई $484 मिलियन कहा जा रहा है कि ये प्लान है। और $484 मिलियन आप सोचिए कि इससे भी आगे निकलेगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये अप्रूव कर दिया है, ये जो पिछले हफ्ते में जितनी भी ये इस सिलसिले में इस प्लान के लिए जो भी नई डेवलपमेंट्स हुई उसमें इंडिया ने ये अप्रूव कर दिया है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि म्यांमार की सित्वे पोर्ट अब इंडिया ऑपरेट करेगा। इंडियन गवर्नमेंट म्यांमार की सित्वे पोर्ट को ऑपरेट करेगी। अब आप इसकी अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ जानना चाहते हैं तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इसकी आप इस तरीके से जान सकते हैं कि देखिए दुनिया में जाहिर है कि स्ट्रेटेजिक गेम्स चलती हैं और उसमें हर कंट्री जो है उसकी यही कोशिश होती है कि वो अपना फैलाओ, अपना जो असर और रसूख है वो दूर दूर तक पहुंचा सके। जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सबको, बिल्कुल जहां कहीं भी आप देख रहे हैं बहुत शुक्रिया। तो हम बात करें इस वक्त उस सित्वे पोर्ट की जो कि म्यांमार की रखाइन स्टेट में है, लेकिन अब उसको भी इंडिया ने सिक्योर कर लिया और वो ऑपरेट करेगा। तो इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया के खास तौर पर वो कंट्रीज जो कि इस वक्त बहुत इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज बन चुके हैं और जो सुपर पावर बनने की दौड़ में हैं और जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया अब शामिल है। अब इंडिया एक मल्टी पावर बन चुका है और उसमें उसकी वही ये स्टेप है कि जिसमें ऐसे कंट्रीज अपना जो फैलाव है, जाहिर है कि वो अब चाहते हैं कि उनकी जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिविटी ट्रेड की और मैरीटाइम सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी, ये बहुत जरूरी होती है किसी भी तरक्की के लिए। तो इंडिया जो कि अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, रवान दवा है, तो उनकी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है, उनके मिनिस्टर ने बताया। और इसमें जो है ये कोई 15 ईयर्स बैक यानी कि 15 साल हो गए इसके ऊपर उनको काम करते हुए और ये स्टार्ट हुए, लेकिन अब जो है इसको इस तरीके से अप्रूव करके सामने लाए गए। लेकिन इसकी शिपमेंट, फर्स्ट शिपमेंट जो है वो लास्ट ईयर पहुंची थी, 2023 में इसकी फर्स्ट शिपमेंट वहां पर पहुंची थी इंडिया की तरफ से, कई टन यानी जो भी शिपमेंट उसमें उन्होंने भेजा वो शिपमेंट वहां पर पहुंची और उसी वक्त जो है सबको अंदाजा हो गया था। जो मैंने ये लिखा था थंबनेल पे कि क्या ये
चाइना कॉरिडोर का जवाब है, रिप्लाई है। तो ये निकी एशिया में मैं देख रही थी इस खबर के हवाले से जो पब्लिश हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि इंडियन बैक पोर्ट जो कि ओपन हुई है म्यांमार की स्टेट में, वहां पर इज आंसर टू चाइनाज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। निकी एशिया का कहना है कि ये पोर्ट जो है ये चाइना के कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसका जवाब है, उसका आंसर है। इसमें कोई ऐसी दो राय भी नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। चाइना जिस तरीके से जो है अपने पोर्ट्स जो है वो चला रहा है, और इसके अलावा चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत बड़े बड़े दुनिया में प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है ये एक बहुत बड़ा दुनिया का प्रोजेक्ट है। फिर उसके सामने बल्कि अब तो ये तो हम अभी बात करें, देखिए म्यांमार की सिप्वे पोर्ट जिस पर अब इंडिया ऑपरेट करेगा, इंडिया के पास आ गई है वो, इंडिया उसको चलाएगा। लेकिन जब हम ये देखें कि चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, तो उसके आगे भी इंडिया एक अपना प्रोजेक्ट ला चुका है जो कि इंडिया से लेकर यूरोप तक इंडिया यूरोप कॉरिडोर है। पहली बात तो यह है कि बात तिब्बत की ही नहीं है, चाइना को हर जगह भारत काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। हमारी कमजोरी है, भारत की बात कर रहा हूं, हमारी ये कमजोरी है कि ये जो चाइना को काउंटर करने वाला जो मैटर शुरू हुआ है ना, ये 7-8 साल पहले शुरू हुआ है हमारा। इसके पहले चाइना को हमारी सरकारों ने फैसिलिटेट ही करा था, उनकी आवभगत ही करी थी, हाँ जाओ भाई बैठो, क्या खाओगे आप, कि नहीं मीठा दोबारा लो, मजा नहीं आया हमें, एक बार और मीठा लो, कितने हजारों स्क्वायर किलोमीटर एक्साइज इनकी देके बैठे हैं, राइट। ये जो है कि चाइना की टांगें तोड़ना, ये प्रोग्राम तो अभी शुरू हुआ है, ये प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, इसके पहले थोड़ा था ये प्रोग्राम, 76 सालों से ये प्रोग्राम, अभी ये मोदी सरकार आई है तब से इन लोगों ने एक्सीलेटर पर पैर रखना शुरू करा है, इसके पहले तो हाँ कोई बात नहीं, ले गया, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोज, ये किसने बोला था जरा चेक करिए इंटरनेट पर। और दूसरी चीज है कि इनको कॉर्नर करना, चाइना को कॉर्नर करा जा रहा है, जो लेटेस्ट थप्पड़ भारत ने मारा था ना, आप मुझे पता है आप ये जो कमेंट है डॉक्टर हर्षिल मेहता, ये आप अहमदाबाद से लिख रहे हैं, आपके अहमदाबाद का एक बंदा है गौतम अडानी, नाम तो सुना होगा आपने, ठीक है, हाइफा पोर्ट ले लिया गौतम अडानी ने, चाइना का उस दिन इतने आंसू निकले हाइफा पोर्ट खरीदने के बाद, गौतम अडानी ने हाइफा पोर्ट ले लिया, चाइना रो रो के कपड़े फाड़ लिए चाइना ने। तो ऐसी बात नहीं कि भारत कुछ नहीं कर रहा, भारत बहुत कुछ कर रहा है भारत, और आपको समय लगेगा कैचअप करने के लिए जो चाइना का गेम है, क्योंकि चाइना के अंदर ना, मुझे कहना नहीं चाहिए बात, मुझे खुद कहते हुए बुरा भी लग रहा है, थोड़ी सी शर्म भी आ रही है, चाइना के अंदर ना गद्दारी का स्कोप नहीं है। ऐसा होता है दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर वो है जहां पे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, AI और काइनेटिक यानी कि बम्पर अटैक भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, एक पूरा एक सिस्टम, एक इकोसिस्टम तैयार करा जाता है। सोशल मीडिया एक बहुत खतरनाक हथियार है, AI बहुत खतरनाक हथियार है, क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है, आप सोशल मीडिया का अगर आप बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे, तो दुश्मन की पॉपुलेशन का आप मोराल, उसका मनोबल जमीन पर ला सकते हैं। और यार कोई भी फौज हो किसी भी देश की हो, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई भी देश हो, उसकी फौज अपना मनोबल कहां से लेती है? लोगों से। अगर लोग फौज को कहते हैं ना कि भाई आप बॉर्डर पे हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप जूझ जाओ दुश्मन से, हम पीछे खड़े हैं आप।